कलकत्ता और बदलापुर मामले को लेकर बुधवार को नागपुर शहर में विदर्भ लेडी वकील एसोसिएशन की ओर से निषेध किया गया। पूरे देश में कलकत्ता और बदलापुर मामले को लेकर निषेध आंदोलन किया जा रहा है। मंगलवार को तो ठाणे में जनता ने रेल रोको आंदोलन किया। बुधवार को नागपुर शहर में भी इसका असर दिखाई दिया है। बुधवार को शहर की विदर्भ लेडी वकील एसोसिएशन की ओर से इस मामले को लेकर निषेध किया गया। इस निषेध में सभी लेडी वकील उपस्थित हुई थी। इन महिला वकीलों ने सरकार और पुलिस विभाग पर अपना रोष व्यक्त किया है और सरकार से मांग की है कि उन्होंने पुलिस प्रशासन को सख्त करे। विदर्भ लेडी लॉयर्स एसोसिएशन की ओर से महाराष्ट्र फेडरेशन ऑफ वुमेन लॉयर्स एंड ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ वुमेन लॉयर्स के सारे पदाधिकारी यहां आज उपस्थित है और ये क्या कहे इसे घटना कहे या मतलब इस चीज को इतना घिनौना अंजाम दिया गया है इस कृत्य को कि इसका कोई नाम ही नहीं हो सकता। एक लाश जली नहीं, उसकी राख ठंडी नहीं हुई तो दूसरे बहन को कोई मार दिया जाता है, किसी को जला दिया जाता है और एक जो इतना बुरा हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने भी उसका स्वयं संज्ञान लिया इस घटना का और न जाने एक हैवानियत इन लोगों में कहां से आ गई थी और उन्होंने क्या किया। इवन पुलिस प्रशासन की भी इसमें ढिलाई दिखाई देती है। जब सुप्रीम कोर्ट यह कहता है कि टास्क फोर्स निर्माण करो, भारत के विभिन्न शहरों से 10 डॉक्टरों को, ब्यूरोक्रेट्स को, देन चीफ सेक्रेटरी को उसमें शामिल किया गया है और टास्क फोर्स को निर्माण किया गया है, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा गया है कि नहीं सुप्रीम कोर्ट आपके साथ है, आप हम पर भरोसा रखो, हमें भी कोर्ट पर भरोसा है, पर यहाँ हमारा जो रोष है, जो हमारी हम जो बगावत जिससे कर रहे हैं पुलिस प्रशासन और सरकार, जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई है ढंग से। पुलिस ने क्या क्या एफआईआर फाइल की, अब हम सबको मालूम है पुलिस कहती है अननेचुरल डेथ। व्हाट डू यू मीन बाय अननेचुरल डेथ? दैट वाज नॉट अननेचुरल डेथ। मैं एडवोकेट उमा भट्टर, विदर्भ लेडी लॉयर एसोसिएशन की प्रेसिडेंट। आज की जो ये दोनों घटनाएं हम उसको निषेध कर रहे हैं, बदलापुर आज वेल एज कलकत्ता हाईकोर्ट की हमारी जो कलीग है वो भी एक प्रोफेशनल है। हम गवर्नमेंट से यही चाहते हैं कि ओनली फॉर प्रोटेक्शन 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 फॉर रेडी। ये क्या है कि एक 2 साल की बच्ची, 4 साल की बच्ची, ये सब हो रहा है। हमारी बहनों को रास्ते पे चलने के लिए ऐसा मजबूर हो रहे कि एक जगह वो निकल नहीं पा रही। छोटी छोटी बच्चियां घर के बाहर निकलते उनके पेरेंट्स को डर लगने लग गया ऐसे इंसिडेंट देख के। तो हमें ये सब चीज़ों से प्रोटेक्शन चाहिए, हमारी सरकार से यही मांग है और जस्टिस जो है तुरंत मिलना चाहिए। बाद में लेडीज का प्रोटेक्शन जो है ये तो जल्दी से जल्दी इसका कानून स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल होना चाहिए। इसके बाद हमारे साथ हमारे सीनियर मैडम है, ट्रीट करना चाहिए, हर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल का ऑडिट होना चाहिए कि कौन सा असुरक्षित भाग है और कौन सा सुरक्षित भाग है। असुरक्षित भाग जो है वहां सिक्योरिटी बिठानी चाहिए और जब भी सिक्योरिटी बिठाएंगे अंदर जो भी दारू पी के आएगा उसको आउट ऑफ द प्रीमाइसेस करना चाहिए। हरदम जो भी घटना है दारू पीकर हो रही है, निर्भया भी दारू पीकर हुई, यहां भी आदमी दारू पीकर हुआ, ये क्या चल रहा है भारत में? ये तो पारतंत्र की दिशा में चल रहे, तो बदलो। मुगलों के राज में ये देखा है, अब स्वतंत्र भारत में ये दृष्टि लेकर कैसा आदमी जाएगा? उसमें कड़ों की कड़ी सजा होनी चाहिए। व्हाट इज द सिक्योरिटी? डिले इज नॉट गिविंग द सिक्योरिटी। डिले हर एक ट्रायल पर होता है, जब भी घटनाएं होती है उसके बाद सब चिल्लाते हैं ये कैसे हुआ, डायरेक्शन इश्यू करते हैं। गवर्नमेंट के डायरेक्शन है, एक स्कूल चलाने के लिए क्या क्या करना चाहिए माइनर के, वो गाइडलाइन क्यों स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं हो रही है, ये सभी ने देखने की जिम्मेवारी है। इसलिए दारू हटाओ ये सब और पुण्य और स्त्री को पवित्र दृष्टि से देखो। ये मेरी तमा है, नई बालिका कोई भी औरत है, ये पहले से लेकर दृष्टि के लिए प्रयास हर घर ने करना चाहिए। इसलिए कहां की भी नारी हो वो एकजुट होकर यहाँ लड़ा देगी और जब तक ये न्याय नहीं दे मिलेगा हमारी लड़ाई जरूर है। विदर्भ लेडी लॉयर्स महिला फेडरेशन। कैमरा पर्सन राजकुमार बोहड़ के साथ अभिषेक पांसे की रिपोर्ट। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर फिशर भगंदर पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com।